बच्चों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार रिजर्व बैंक के स्थापना के साथ साथ बैंकिंग प्रणाली में सुधार के व्यापक प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी हमने देखा कि बहुत सारी योजनाएं जो बैंकों की सफलता के लिए, बैंकों के विकास के लिए बनाई गई, वो सफल भी रहीं, लेकिन कुछ हद तक वो असफल भी रहीं। बैंकिंग प्रणाली में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे। बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया। उन समितियों ने अपने प्रस्ताव, अपने सुझाव सरकार के समक्ष रखे। उन सुझावों का क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन से सुधार लाए जा सके और कौन कौन सी कमियां अभी तक रह गई, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज के अध्याय में। तो आइए देखते हैं कि वास्तव में बैंकिंग व्यवस्था के सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। देखा जाए तो बैंकिंग व्यवस्था के सुधार के लिए सन 1969 से, जबकि बैंकों का पहले चरण का राष्ट्रीयकरण किया गया, तब से ही लगातार प्रयास किए जाते रहे। और इसी प्रयास के अंतर्गत हमने देखा कि इसी कड़ी में जब बैंकों के विकास की योजनाएं बनाई गई, तो यहाँ पर बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे पॉइंट्स जो देखने को मिले, उनमें सबसे पहला ये था कि इसमें बैंकिंग व्यवस्था में बहुत सी कमियां आने लगी थी। हालांकि सुधार के लिए व्यापक प्रयास किए गए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी कमियां इसमें रही। साथ में बैंकिंग प्रणाली की जो लाभप्रदता थी और कार्यकुशलता थी, वो कम होने लगी। अगला यहाँ पे देखा जाए तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें काफ़ी प्रयास तो किए गए, लेकिन बैंकों की जो आंतरिक कार्य प्रणाली थी, वही कहीं ना कहीं वो आंतरिक कार्य प्रणाली ही इन सब कमियों के लिए उत्तरदायी रही। साथ में जो पूरी की पूरी बैंक की व्यवस्था थी, उसमें जो नीति प्रबंधन था, संगठन था, ये जो पहलू थे, वो कहीं ना कहीं ऐसे पहलू थे जिनके कारण पूरी की पूरी बैंकिंग व्यवस्था जो थी, वो धीरे धीरे ध्वस्त होने लगी थी। और साथ ही साथ जब 1990 में बैंकों के सम्मेलन पर अधिक बल दिया गया, वास्तव में वो जो समय था 1990 का, वो उदारीकरण का दौर था, और ऐसी ही कंडीशन में प्रयास किया गया कि किस किस तरह के प्रयास किए जाएं, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं लाई जाएं, किस प्रकार से समितियों का गठन किया जाए कि ये सारी जो समस्याएँ हैं उनको दूर किया जा सके। उसके साथ ही एक बात और ये थी कि बैंकों की जो वित्तीय क्षमता थी, उसमें सुधार लाना था। बैंकों की जो शाखाएं थी, वो आज के अपेक्षा काफ़ी कम थी, और साथ में समय के बदलाव के साथ साथ एक कंप्यूटरीकृत व्यवस्था, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि यंत्रीकृत व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। तो ये भी एक कारण बना। यहाँ पर प्रबंध और संगठन में सुधार के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनमें सुधार लाना बैंकिंग व्यवस्था के विकास के लिए जरूरी लगने लगा था। और इसी क्रम में सन 1990 में जो बैंकिंग व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रयास किया गया और बहुत सारी समितियों का गठन किया गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें समितियों की, तो यहाँ पर नरसिम्हन समिति का गठन किया गया सन 1991 में। नरसिम्हन समिति पर अगर हम एक नज़र डालें, तो यहाँ हम देखते हैं कि नरसिम्हन समिति के अंतर्गत भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर थे, मिस्टर एम नरसिम्हन, उनकी अध्यक्षता में 14 अगस्त को 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी, वो 20 नवंबर 1991 को उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके समक्ष प्रस्तुत की। और आइए देखते हैं कि क्या क्या सुझाव इन्होंने, ये जो हमने देखे बैंकिंग व्यवस्था में जो परेशानियां थी, जो कठिनाइयां थी, उनको, उनके सुधार के लिए कौन कौन से सुझाव प्रस्तुत किए। तो अगर हम बात करें कि इनके दृष्टिकोण की, किस दृष्टिकोण को, पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, इनको क्या सोचकर ये अपने सुझाव पत्र देने वाले थे, तो सबसे पहला इनका दृष्टिकोण था कि वित्त व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जो भी प्रयास किए जाने हैं, उनका मुख्य उद्देश्य जो होगा, वो वित्त व्यवस्था में सुधार लाना होगा। अब इसके अंतर्गत इन्होंने माना कि अर्थव्यवस्था के जो वास्तविक जो क्षेत्र हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा लाई जाए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा ही एक ऐसी फिर युक्ति बचती है जिससे
जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, व्यापार उद्योग या फिर बैंकिंग क्षेत्र की, प्रतिस्पर्धा की एक ऐसी भावना होती है जो कहीं ना कहीं आगे निकलने के कारण अपनी व्यवस्थाओं में सुधार का कारण बनती है। तो प्रतिस्पर्धा की बात इन्होंने सोची और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा के साथ दक्षता में भी वृद्धि करने के लिए इन्होंने वित्तीय क्षेत्र के लिए प्रयास किया कि वित्तीय क्षेत्र जो है वो स्वस्थ और लाभप्रद बनाया जा सके। वित्त व्यवस्था कैसे मुहैया कराई जाए, कैसे आसानी से उपलब्ध की जाए, इसके बारे में विचार किया गया। साथ में वित्तीय क्षेत्र को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए, इनका एक दृष्टिकोण था कि वित्तीय क्षेत्र जो है उसमें बहुत ज़्यादा सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से इनको कार्य करने दिया जाए। तो ये इनके दृष्टिकोण थे। अब इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ सुझाव जो प्रस्तुत किए, उनको हम बिंदुवार जाने कि कौन कौन से सुझाव थे। तो इनका जो पहला सुझाव था वो ये था कि बैंकिंग संरचना जो है ये पूरे चार स्तर में विभाजित होनी चाहिए। कौन कौन से चार स्तर? तो इन्होंने बताया कि 3 या 4 अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के बैंक होने चाहिए, उसके बाद 8 या 10 राष्ट्रीय स्तर के बैंक होने चाहिए, उसके बाद तृतीय स्तर पर इन्होंने माना कि क्षेत्रीय बैंक होने चाहिए और चतुर्थ स्तर पर इन्होंने माना कि ग्रामीण बैंक भी होने चाहिए। अब अगर हम बात करें इनके दूसरे सुझाव की, तो इन्होंने माना कि बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की निगरानी करने के लिए रिजर्व बैंक जो है एक अर्ध स्वायत्त संस्था के रूप में गठित की जानी चाहिए, ताकि इसके अंडर में जितने भी बैंक आते हैं, जितने भी व्यापारिक बैंक या औद्योगिक बैंक आते हैं, उनकी कार्यप्रणाली कैसी है, वो कैसे कार्य कर रहे हैं, इस पर नज़र रखने के लिए समिति के मांग की। साथ में इन्होंने ये भी सुझाव प्रस्तुत किया कि शाखा लाइसेंसिंग की जो पद्धति है, अलग अलग ब्रांच के लिए जो लाइसेंसिंग की जो पद्धति है वो समाप्त होनी चाहिए। अगला सुझाव इन्होंने दिया कि वित्तीय संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये भी प्रयास किया गया कि जो प्रतिस्पर्धा हो वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। व्यापार उद्योग की तरह गला काट प्रतिस्पर्धा का यहाँ पर भी विरोध किया गया। ये माना गया कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण किया जाए, ना कि इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो कि स्वयं के लाभ के लिए कहीं ना कहीं जो बैंकिंग व्यवस्थाएँ हैं वो ही सुचारू रूप से नहीं चल पाती है, बीच में बंद हो जाती हैं। तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के निर्माण की बात इन्होंने कही। और साथ ही साथ ब्याज दरों का जो नियमन है उसको समाप्त किया जाना चाहिए, स्ट्रिक्टली एक ही ब्याज दर जो है वो लगातार चल रही है, ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोचता होनी चाहिए। जैसे आज हम देखते हैं कि विभिन्न ऋणों पर जो ब्याज की दरें होती है, विभिन्न जमाओं पर जो ब्याज की दरें होती हैं, उनमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक इसी तरह इन्होंने एक सुझाव ये भी दिया कि साख का जो वितरण है वो कुल साख के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार एक बैंक अपनी कुल जमाओं को 2 भागों में बांट देती है। एक भाग में वो प्रयास करती है कि जो उसकी नगदी जमा है वो रहे, ताकि जब भी जो जमा करता है वो उसको मांगे तो उन्हें वापस दिया जा सके, और बाकी दूसरे हिस्से से वो साख का निर्माण करती जाती है, यानी वो धन करती जाती है जिसको वो ऋण के रूप में अपने ग्राहकों को दे सकेगी। तो इसको, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाए कि जितनी भी साख की व्यवस्था है उससे 10% तक ही ऋण दिया जाए, उससे ज़्यादा का ऋण ना दिया जाए। साथ में इन्होंने एक सुझाव प्रस्तुत किया कि जो बैंक के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति अलग अलग बैंकों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जानी चाहिए। इसके पीछे भी इनका उद्देश्य यह था कि अलग अलग क्षेत्र के जो बैंक होते हैं वो कई बार वहाँ के की जो क्षेत्रीय जनसंख्या होती है, घनत्व जो होता है, उसके आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति उस आधार पर की जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ शाखाएँ जो होती है वहाँ पर आवश्यकता से अधिक कर्मचारी होते हैं और कुछ शाखाओं में कमी होती है, तो इसका बैलेंस बराबर करने के लिए इन्होंने ये बात कही। सुझाव की बात करें तो इन्होंने अगला सुझाव ये दिया कि राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंध मंडल में भारतीय रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक मान लिए हैं उनका जो प्रबंध मंडल है उससे कम से कम रिजर्व बैंक को अलग रखना चाहिए, क्योंकि पहले हमने देखा कि सारे जो बैंक होते हैं उस पर जो रिजर्व बैंक होता है उसके दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं, तो उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंक को इससे अलग रखने की बात कही।
साथ ही एक सुझाव ये भी प्रस्तुत किया कि बैंकों पर वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग का नियंत्रण समाप्त करके भारतीय रिजर्व बैंक का जो नियंत्रण होता है, जो निर्देशन होता है, वो लागू किया जाना चाहिए। अब बात करें इनके अगले सुझाव की, तो इन्होंने कहा कि विकास वित्त संस्थाओं को जो रियायती दर पर संसाधन देने की जो सुविधा है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये 3 वर्ष तक धीरे धीरे समाप्त करके इन संस्थाओं को प्रतियोगी दर से इनके संसाधन एकत्र करने के लिए जो नियम है उसके अनुकूल इनको सक्षम बनाया जाना चाहिए, और साथ ही साथ पूंजी बाजार की क्रियाओं को अधिक उदार बनाया जाना चाहिए, और ये प्रयास किया जाना चाहिए कि कंपनियों को शेयर निर्गमन के लिए बार बार सरकार की पूर्व अनुमति न लेनी पड़े। अब ये जो सुझाव दिए गए उसके संबंध में सरकार ने कौन कौन से निर्णय लिए, यानी कि किन किन सुझावों पर विचार किया गया और उनको अपनाया गया, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। साथ में यहाँ पे ये देखा गया कि नरसिम्हन समिति द्वारा सन 1991 में जो अपनी रिपोर्ट सरकार को के सामने प्रस्तुत की गई, उस पर ये मान लिया गया कि कौन कौन से सुधार की नीतियाँ जो उन्होंने सुझाव के अंतर्गत रखी उसको अपनाई जाए। तो सबसे पहले ये देखा गया कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार के दौरान जो है 1992-93 से सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, और उसके बाद 93-94 में जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया को और अधिक विस्तृत और व्यापक बनाया जा सका। अब अगर हम इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन से सुधार लाए गए, किस पर विचार किया गया, किन किन चीज़ों को अपनाया गया, इसकी बात करें, तो आइए बिंदुवार इन सुझावों पर एक नज़र डालें। तो आपने देखा कि किस प्रकार नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए व्यापक प्रयास किए, और इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने बहुत सारे सुझाव सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए, उनका विश्लेषण किया गया, एनालिसिस किया गया, और जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को लगे उनको अपनाया गया, और उनके संबंध में जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ की गई। पहला, वैधानिक तरल कोषानुपात को चरणबद्ध रूप में कम करने की सिफारिश के अनुरूप 1982 में इसे 38.5% से गिराकर अक्टूबर सन 1994 तक 31.5% कर दिया गया। 25 अक्टूबर सन 1997 से अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा यह अनुपात 25% अपनाया गया, जो बैंकिंग नियमन अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारण था। वर्तमान में 25% की न्यूनतम सीमा हटा ली गई है। दूसरा, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दरों को बाजार से संबंधित करने के उद्देश्य से बिलों एवं प्रतिभूतियों के लिए 1992-93 से पुनर्खरीद की नीलामी आरंभ की गई। तीसरा, ब्याज दरों को अधिक सकारात्मक रूप देने के उद्देश्य से बैंक दर को अधिक सक्रिय बनाया गया, और आवश्यकता अनुसार समय समय पर इसमें अनेक बार परिवर्तन किए गए। चौथा, पूंजी की पर्याप्तता अनुपात संबंधी सिफारिशें लागू की गई और बैंकों को पूंजी बाजार से साधन जुटाने की अनुमति दी गई। पांचवा, ऋणों की वसूली को त्वरित गति देने के उद्देश्य से ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। छठवां, निजी क्षेत्रों में बैंक आरंभ करने के अवरोधों को आसान बनाया गया और देश में बैंकिंग क्षेत्र में निजी बैंकिंग एवं आधुनिकीकरण प्रक्रिया को गति दी गई। सातवां, बैंकिंग सेवाओं की कमियों के बारे में ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतों को शीघ्रतापूर्वक और कम खर्च पर निपटाने के लिए जून 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा की गई। आठवां, कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय दृष्टि से सक्षम बनाने एवं उन्हें विकेंद्रीकृत बैंकिंग के प्रभाव साधनों के रूप में परिवर्तित करने का कार्य सरकार ने आरंभ किया है। नौवां, वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए। दसवां, बैंकों के परिचालन दक्षता एवं ग्राहक सेवा में सुधार लाने के उद्देश्य से कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी को दिन प्रतिदिन की कार्यप्रणाली में सम्मिलित किया गया।
अब इसी जो बैंकिंग प्रणाली की व्यवस्थाओं के सुधार की बात की जा रही थी, इसी सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य समिति का गठन किया गया, जिसे हम गोइपोरिया समिति 1990 के नाम से जानते हैं। आइए इस पर एक नज़र डालें कि क्या है गोइपोरिया समिति और किस प्रकार इसका गठन किया गया। तो सबसे पहली बात तो इसका जो फोकस था वो था ग्राहक सेवा में सुधार। बैंक जो है वो ग्राहकों को अच्छी सेवाएं, अच्छी सुविधाएं नहीं दे पा रही है, और यही कहीं कहीं ना कहीं कारण बन रहा था बैंकों के पिछड़ेपन का। तो बैंकिंग व्यवस्था में सुधार लाने के लिए गोइपोरिया समिति की स्थापना 1990 में की गई, और 1990 में इन्होंने जिस समिति की स्थापना की गई इसको भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष थे M.N. गोइपोरिया, इनकी अध्यक्षता में समिति की स्थापना की गई। और 15 दिसंबर 1991 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। अब इस पूरी रिपोर्ट में कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं आइए उस पर एक नज़र डालें। तो इन्होंने सबसे पहला सुझाव प्रस्तुत किया कि नगद भुगतान के कार्यों को छोड़कर बाकी बैंक के जितने भी कार्य हैं उसमें जो कार्य करने के घंटे हैं उसमें एक तो वृद्धि की जानी चाहिए। दूसरा इन्होंने सुझाव प्रस्तुत किया कि बैंक काउंटर जो है वो समय पर खोलने के लिए जो भी व्यापक प्रयास किए जा सके वो करने चाहिए। तीसरा इन्होंने सुझाव दिया कि करंट अकाउंट में जो जमा है, क्योंकि इसकी लिमिटेशंस होती है, चेक जमा की लिमिटेशंस थी, तो इसके अंतर्गत ये कहा गया कि करंट अकाउंट में जो है वो 5,000 रुपये तक का जो बाहरी चेक है उसको भी जमा करने की सुविधा दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि सेविंग अकाउंट पर दी जाने वाली जो ब्याज की दर है उसमें वृद्धि के साथ साथ बैंक के जो जमा राशि है उसमें जो है वो टैक्स डिडक्शन कर में छूट दी जानी चाहिए, ताकि लोगों को जमा के लिए, पूंजी संचय के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। साथ में एक बात ये भी मानी इन्होंने कि बैंक जमाओं पर जो जितने भी लाभ मिल पाते हैं लोगों को, वो सारे लाभ, वो सारे जमाएं जो है वो टैक्स फ्री रखी जाए, उनको कर मुक्त रखा जाए, कर मुक्त वाला लाभ उन जमाओं पर दिया जाए। साथ में इन्होंने ये भी सुझाव प्रस्तुत किया कि बैंक का जो स्टाफ है उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि की जाए, उसकी दक्षता में वृद्धि की जाए, और ऐसा करने के लिए जहाँ तक आवश्यक हो समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, उनको ट्रेन किया जाए, और भविष्य को देखते हुए उनको अपडेट करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि इन्होंने माना था कि मानव संसाधन सिर्फ कंप्यूटरीकृत या यंत्रीकृत व्यवस्था के साथ साथ मानव संसाधन भी बैंकिंग विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ में इन्होंने एक सुझाव ये भी दिया कि गणक का जो कार्य है, गिनती करने वाले जो है बैंकों में, उनके कार्यों का भी विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य वही होता है बैंक के लिए। साथ ही साथ जो बाहरी चेक है, जो भी चेक जमा होते हैं, अब तो उनका शीघ्रता से भुगतान हो जाता है, लेकिन पहले काफ़ी लंबा समय ये लिया करते थे, तो इनके लिए प्रयास किया गया कि जो चेक का जो संग्रहण का कार्य है, भुगतान का कार्य है, वो उसमें तीव्रता लाई जाए, को शीघ्र उस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। साथ में एक कंप्यूटरीकृत और आधुनिकीकरण की भी बात कही उन्होंने कि मानव संसाधन जो है उनको तो अपडेट किया जाए, और उसी की प्रक्रिया में उनको कंप्यूटर का अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए, और पूरी बैंकिंग प्रणाली में आधुनिकीकरण लाने के लिए जो संभव हो सके वो प्रयास किए जाने चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये भी कही कि एक मर्यादित अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग का जो कार्य है मानसिक रूप से काफ़ी थका देने वाला होता है, तो एक मर्यादित अवकाश बैंक के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनको मिलना चाहिए, ताकि वो फ्रेश होकर फिर से अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर सके। अनावश्यक जो अवकाश है उनको रोकें, और जरूरी अवकाश है यानी कि जितना ज़रूरी है उनके लिए अवकाश उतना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो ये इस पूरी समिति की सिफारिशें थी, उन्होंने ये सारे सुझाव प्रस्तुत किए।